कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम छांगा मांगा टीला पे मौजूद हैं और यहाँ पे इनाकाद है फिफ्थ थर्ड डेजर्ट रैली का। डर्ट बाइक का जो ट्रैक है वो टोटल 3 लैप्स हैं, तो आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, इस वक्त कस्बा एक्सप्लोरर आपसे मुखातिब है फिफ्थ थल डेजर्ट जीप रैली छांगा मांगा टीला से, जहां पे आज नई तारीख रकम होने जा रही है और पहली दफा जो बाइकर्स हैं वो डर्ट रेस के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 6 के करीब बाइकर्स ट्रेल बाइक्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो हमारे साथ एक बाइकर मौजूद है। मेरा नाम इब्राहिम शाह और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और ये फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है कि कल डेजर्ट रैली में बाइकर्स को पार्टिसिपेट दी गई है और इंशाल्लाह ताला ट्रैक हमें काफ़ी अच्छा लगा। इब्राहिम शाह साहब हैं और ये रावलपिंडी से जी शिरकत कर रहे हैं इस्लामाबाद से जी। हमारे साथ मोइन भाई भी मौजूद हैं जो कि लाहौर से शरीक हो रहे हैं फिफ्थ थर्ड डेजर्ट रैली में डर्ट बाइक रेस। उमर भाई भी लाइन अप हो गए हैं और इसके अलावा सलाम भाई भी जो है वो लाइन अप हो गए हैं। ये उमर लोकटी साहब हैं, मियाँ वाली से ताल्लुक है इनका, और जैगम भाई जो है वो रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं। हमारे साथ जैगम भाई मौजूद हैं रावलपिंडी से। वी वांट मोर रेसेस और हमें रेसेस दें, हमें ट्रैक लंबे दें ताकि हम ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। ये देखें जी, जैगम भाई TDCP की इस काविश को सराह रहे हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उमर लोकटी साहब हैं मियाँ वाली से, ये हमारे साथ हैं। और उमर भाई, आप ये TDCP का जो इकदाम है, ये इनाकाद का पहली दफ़ा सिर्फ थल डेजर्ट जीप रैली के अंदर जो बाइक डर्ट रेस का भी इन्होंने आगाज़ किया, तो आप इसको किस नज़र से देखें? देखिए, देयर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट सिंस वो फर्स्ट टाइम ये लोग कर रहे हैं, पहले इन्होंने चोलेस्तान में किया था मतलब थल में, तो चोलेस्तान से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इस टाइम में ये लोग हैं। आई एम श्योर नेक्स्ट रिलीज के अंदर दिल को मोर बेस्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट जी और वी आर वेरी हैप्पी टू कम हेयर इन थल, स्पेशली फर्स्ट टाइम हो रही है, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ट्रैक इज ब्यूटीफुल। अगर थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा मज़ा आता। It's almost 3-4 kilometer lap and we will be running around 3 laps. So let's see, हमें अच्छा good time, मेरा ख्याल है 140s के around आएगा या 130s में अगर को आ जाए तो वो तो बहुत extreme है। तो I believe less than 6 minutes तक participation rate भी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो चीज़ें time लेती हैं थोड़ा grow करने के लिए। तो we're very happy that we are into transition time और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, dear part of it. मुजफ्फरगढ़ की मैनेजमेंट वो भी बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट के साथ साथ मुजफ्फरगढ़ की आवाम भी आपके साथ है, हेड मोहम्मद वाला छांगा मांगा टीला की आवाम भी आपके साथ है, दुआ गो है आप यहाँ से जो है ना सक्सेस लेके जाए। हमारे साथ साकिब साहब हैं जो कि रावलपिंडी से जो है इस रैली में शामिल हो रहे हैं। सेट हुआ है इसके बारे में देखें, बहुत अच्छा इवेंट है और ये ऐसा है कि बिल्कुल एक इंटरनेशनल रेस का फील आता है लोगों में। जितने ऑडियंस हैं ये सब लोग इस तरह डर्ट बाइक्स को इंटरनेशनल लेवल पे घूमते फिरते देखते हैं, रेसेस देखते हैं। आज ये लोग इंशाल्लाह यहाँ अपने शहर में अपने थर्ड के रेगिस्तान में देखेंगे, ज़रूर इन्जॉय करेंगे। हम लोग भी बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसी रेसेस को, जहाँ ऑडियंस हो, इनकी सपोर्ट हो, इनका प्यार हो। TDCP की इस काविश को आप किस नज़र से देखते हैं? उनके लिए हेड्स ऑफ की बिल्कुल जो है वो बात है कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे रेसिंग को जो है प्रमोट करने में, जिस तरह उन्होंने जीपर्स को जीप की रैली को बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज करके उसको अपग्रेड किया बहुत ज़्यादा, इसी तरह वो लोग अब हमारे लिए भी बहुत अच्छा रेसिस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इट्स बेटर देन दिस कि हम रोड्स पर अपने टेंट ज़ाया करें, वन व्हीलिंग करें, रेसिस करें, बिल्कुल, और रोड्स पर अपनी जानों को जो है वो ज़ाया करें, माँ बाप के लिए लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने, तो बेहतर है यहाँ खुली जगह पर आए, प्रॉपर अपने गियर अप करें, प्रॉपर प्रोटेक्शन से लें, एक स्पोर्ट्स को एज ए स्पोर्ट्स लें और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में हम जो है हमारा साथ दें। कामरान शरीफ साहब हैं लाहौर से, तो हम ये पूरी जो है वो बाइक जो है वो लाइन अप हो चुकी हैं, ये एक नई तारीख रकम होने जा रही है और वेरी फर्स्ट टाइम ये जो है इनिशिएटिव लिया है TDCP ने। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी।
साहब की बाइक के साथ एक मिसहैप हुआ है कि रेस से भी एक दिन पहले, इनका ये इंजन ऑयल है इसका जो वहाँ यहाँ से लीकेज शुरू हो गई, हमने मैजिक भी लगाई, पूरी रात लगे रहे इस पर काम भी किया, आप देख रहे हैं कि इंजन ऑयल लीक है। जो है वो दो लैब्स मुकम्मल हो चुकी हैं, तीसरी लैब शुरू है, तो ये हमारे साथ हम आपको बताते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, ये तीसरा और आखिरी जो लैब है वो अभी खत्म होने वाले हैं। आपने देखा कि तीसरा लैब भी इख्तिताम को पहुंचा। और इब्राहिम ने विन किया है और जैगम भाई ने जो रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक है दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये मोइन भाई की थर्ड पोजीशन है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। साकिब शाह साहब हमारे साथ हैं, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, फोर्थ पोजीशन हासिल किया। उमर रोकड़ी सिक्स नंबर पर आए हैं।
यहाँ जैगम भाई मौजूद हैं रावलपिंडी से और इन्होंने सेकंड पोजीशन ली है। हम इसे मुबारकबाद पेश करते हैं पूरे मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब की तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो। और वो कहते हैं ना कि पिंडी वाल मशहूर पांदे बोस की का सूट अभी पिंडी बॉयज बोस की का सूट पहनना है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कोई इस जो ट्रैक में या TDCP की जो ऑर्गेनाइज की है उसमें कोई आपकी कंप्लेंट है, कोई शिकायत है? कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन करेंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे, इसलिए विदाउट कंप्लेन वी वांट मोर रेसेस और हमें रेसेस दें, हमें ट्रैक लंबे दें ताकि हम ज्यादा एंजॉय कर सकें। ये देखें जी जैगम भाई TDCP की इस काविश को सराह रहे हैं और हम जो है वो TDCP को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने हमारे पूरे पाकिस्तान से भाइयों को इकट्ठा किया, हमें मिलने का मौका दिया, इनके टैलेंट को देखने का मौका दिया, इनकी मेहनत को देखने का मौका दिया, इनके साथ मिले, इनकी शख्सियत को जाना। हमारे साथ उमर रोकड़ी साहब हैं, उमर साहब ने फिफ्थ पोजीशन ली है। वी हैड गुड टाइम, एक्सीलेंट जी, वेरी वेल डन। अच्छा वो सुनाए गाड़ी की क्या रही है कंडीशन? थोड़ा तंगी है उसने, बट ऑल गुड। ये रेस का पार्ट है, यही मजा है, लॉट ऑफ मोमेंट के ऊपर जो है ना, आपको रेस में कोई बोली वो एक बड़ी खूबसूरत जगह में आखिर बंदे ने दोबारा लैप क्यों किया है कर हर मैदान पर जी, आखिर बंदे एक और लैप क्यों किया है? आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो भी बदल गई। फर्स्ट इब्राहिम, आपने हमारा साथ दिया पूरी रात, ये बात मशकूक हो जाएगा पूरा दिन पूरी रात। थैंक यू वेरी मच। साकिब शाह साहब हमारे साथ हैं, राहुल पिंडी से इनका ताल्लुक है, इन्होंने फोर्थ पोजीशन हासिल की है। आपको क्या कहेंगे ट्रैक के बारे में, आपने जगह रूट किया? अच्छा ट्रैक था, मज़ेदार ट्रैक है और इस तरह के रेसेस होनी चाहिए और ताकि जो लोकल लोग हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों, जो लड़के रोड पे रेसेस कर रहे हैं वो लोग ग्राउंड में आए, ऑर्गेनाइज रेस में आए, स्टेज पर खड़े होकर कब वसूल करें, एक ऑनर जो होता है वो उसको वो महसूस करें जी। जैसे साकिब साहब ने बताया कि इस रेस में हिस्सा लेना ही एक बहुत बड़ा एजाज़ है और हम पूरी दुनिया को एक पीसफुल इमेज, एक पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा इस रैलीस के जरिए से दिखा रहे हैं और जो जनूबी पंजाब है उसमें टूरिज्म के फ़रोग के लिए जो TDCP किरदार अदा कर रहा है और वो खुश आइन है और मुबारकबाद का मुस्तहिक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कामरान शरीफ साहब लाहौर से, तो इनकी जो इनके साथ मिस हैप हुआ है कि इनकी जो बाइक है वो पहला लैप ही मुकम्मल करने के दौरान बंद हो गई जी, बताएंगे क्या मसला आपके साथ पेश आया? बस मोबाइल टेक्निकल इशू हो गया, बट आई एम सो ग्लैड दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये थल में इन्होंने बाइक कैटेगरी अनाउंस की है और ये बहुत अच्छी बात है, वी आर सो एक्साइटेड एंड आई एम सो ग्लैड एटलीस्ट मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैं लाहौर से आया हूं स्पेशली, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे बेहतर तैयारी के साथ आएंगे और इंशाल्लाह इससे बेहतर कम्पीट करेंगे। जो जो एफर्ट किया है TDCP ने और जो हमारे हम TDCP के पंजाब गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, बहुत मशहूर हैं और जैसे पहले लास्ट टाइम हुआ था लास्ट ईयर 2024 में फर्स्ट टाइम बाइक कैटेगरी अनाउंस की थी और ये थल में अभी फर्स्ट टाइम ये की है अनाउंस, तो पंजाब गवर्नमेंट हमें ऐसे मौके फराहम करती है तो इंशाल्लाह हम अपने टैलेंट को मजीद पॉलिश करेंगे, नेशनल लेवल पे भी खेलेंगे और इंशाल्लाह इसे हम अपने टैलेंट को प्रमोट करके मजीद पॉलिश करके इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक दिन नाम रोशन करेंगे। और सब लोगों से ये दरख्वास्त है, सब यंगस्टर्स है कि वो अपने स्किल्स को यहाँ पे आके शो करें, अपनी स्किल्स यहाँ पे शो करें बजाय इसके कि रोड के ऊपर वन व्हीलिंग करके रेसिंग करके वो अपनी जानों का जो है ज़ाया करें और माँ बाप को और लोगों को परेशान करें, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रॉपर स्पोर्ट्स के तरफ। बिल्कुल सही बताया और हम बड़ा सराहते हैं आपके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जी। और आप लाहौर से मुजफ्फरगढ़ में आए थल डेजर्ट जीप रैली के अंदर शरीक होने के लिए हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और एहलियान मुजफ्फरगढ़ और हेड मोहम्मद वाला और छांगा मांगा टीला के जितने भी लोग हैं, थल के जितने भी बासी हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, जैसे यहाँ के लोग मेहमान नवाज भी बहुत हैं, कोऑपरेटिव हैं और मेरे साथ मिसअप हो गया, बाइक खराब हो गया, लेकिन डजंट मैटर, ओवरऑल इस इवेंट को बेसिकली मैंने इन्जॉय किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेल डन। नेक्स्ट अगले साल भी जो है वो हम आपके मुंतजर रहेंगे, आप मजीद जोश और जज्बे के साथ और इस दफा आप अपनी पोजीशन अगली दफा इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मुजफ्फरगढ़ की आवाम के लिए तो वैसे ही नारा मुजफ्फरगढ़ जिंदाबाद। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है रेस के बाद मुजफ्फरगढ़ फैसल स्टेडियम में, तो इंशाल्लाह हम उमर भाई को वहां भी मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बहुत खुशाइन है, TDCP का बहुत ही ऐसा इकदाम है कि फिफ्थ थर्ड एवेन्यू के अंदर पहली दफ़ा थर्ड रेस का बाइक रेस का इनका किया गया है।
हम ये जो पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान की, इसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ये जो स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, खास तौर पर क्योंकि पंजाब के अंदर इसका इनाकाद इंतहाई खुशाइन है, और हम इसमें हुकूमत पाकिस्तान और TDCP को सराहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज जो है वो जनूबी पंजाब में होती रहेंगी। छांगा मांगा टीला से आपसे मुखातिब हूँ और इनाकाद है यहाँ पर 5th डेजर्ट जीप रैली का। Hey!